अरविंद सबरवाल, बच्चों का सर्जन हूँ। मणिपाल हॉस्पिटल में हमारे पास बच्चों की शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी करने के सारे प्रबंध हैं। अगर आपके बच्चे को किसी तरह की भी सर्जरी की ज़रूरत है तो आपके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे होंगे। आप ये सोचते होंगे कि बच्चा शायद बहुत छोटा है, बच्चे का ऑपरेशन अभी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्या बच्चों को एनेस्थीजिया देना सेफ रहेगा, उसके कोई अपने साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आएंगे। मैं इन सारे विषयों पर आपकी कुछ भ्रम, कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करूंगा। बच्चों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ बच्चों में ही देखी जाती हैं और ये बीमारियां बड़े आदमियों में नहीं होती, इसलिए उनका इलाज बचपन में ही करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर बच्चे के गुर्दे में कोई रुकावट है तो उसका ऑपरेशन जल्दी करके उस रुकावट को ठीक करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसको ज़्यादा देर तक रोकते हैं और ऑपरेशन नहीं कराते सिर्फ इस डर की वजह से क्योंकि बच्चा छोटा है, तो कुछ समय में वो गुर्दा काम करना बंद कर सकता है। ऐसे ही बच्चों के जो टेस्टीज होते हैं वो कई बार अपनी जगह से ऊपर होते हैं, अपनी जगह पे नीचे नहीं आते। अगर हम उसका ऑपरेशन पहले एक साल में नहीं करते हैं तो वो आगे जाके काम करना बंद कर सकते हैं, और अगर ये ऑपरेशन को हम डिले करते हैं, देर से करते हैं, तो बच्चे की आगे फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। सो ये ऑपरेशन भी एक साल से पहले पहले की उम्र में करा लेना चाहिए। जहां तक एनेस्थीजिया का प्रश्न है, आज के ज़माने में बच्चों का एनेस्थीजिया बहुत ही सेफ है। इतने साल की अपनी प्रैक्टिस में, जो कि करीब करीब 35 साल की प्रैक्टिस है, मैंने कोई भी बच्चे में एनेस्थीजिया की वजह से कोई दिक्कत होते हुए नहीं देखी। बच्चों में आमतौर पे सर्जरी सहने की क्षमता बड़ों से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग के ऊपर कोई ऐसा तनाव नहीं होता कि मेरे को कल दर्द होगी या कुछ और होगा, इसलिए बच्चों को ऑपरेशन के बाद संभालना बहुत आसान होता है। आजकल की ऐसी दवाइयां हैं जो कि बच्चे को ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होने देती। सो जब भी ऑपरेशन ख़त्म होता है आमतौर पे बच्चा बेहोशी से इमीडिएटली बाहर आ जाता है, और बहुत सारे बच्चों के ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि हम बच्चों को एक ही दिन में घर भेज सकते हैं। इस करके कभी भी आप ये मत सोचिए कि बच्चा बहुत छोटा है या बच्चे को ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। अगर आपके डॉक्टर ने या आपके शल्य चिकित्सक, स्पेशली अगर कोई पीडियाट्रिक सर्जन ने अगर आपको बोला है कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो उसमें हिचकिचाइए नहीं और जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन कराइए, और जो जैसे भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसके हिसाब से और उसी टाइम पीरियड के अंदर उसकी सर्जरी कराना ज़रूरी है। धन्यवाद।